नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी भी तेज होते जा रही है। साथ में सत्ता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी तेज हो रही है। इस मसले पर दोनों उप मुख्यमंत्री अब आमने सामने आ गए हैं। अजीत पवार ने जहां सीएम पद पर दावा ठोका है, तो देवेंद्र फडणवीस ने इसका अपने तरीके से विरोध किया है। वहीं चुनावी सर्वे में अजीत पवार गुट को कम वोट मिलता हुआ दिख रहा है। इन सबके बीच खबर यह है कि अमित शाह ने सीट शेयरिंग में बीजेपी को सबसे ऊपर रखा है। आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में सीएम पद के लिए घमासान तेज हो गई है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की थी। अजीत ने कहा था कि सीएम बनना चाहता हूं। इसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस पार्टी का एक विधायक भी हो वह मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार के चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों से रसाकशी चल रही थी। ऐसे में खबर है कि अमित शाह ने मुंबई में बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं से उनकी मर्जी समझने के बाद नागपुर की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और अजीत पवार सबसे छोटे भाई के रोल में रह सकते हैं। फिर सीएम किसका होगा ये भी साफ हो जाएगा। अजीत पवार ने शरद पवार का साथ बीते साल 2023 के जून में छोड़ दिया था और वह अपने साथ 40 विधायकों को भी ले आए, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इन विधायकों के जीतने की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं। सर्वे में एनसीपी के 23 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में पार्टी के लिए 16 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम की बात हो रही है, चुनाव अभी हुए नहीं है, लेकिन हर कोई स्वाभाविक है सीएम बनना चाहता है और सीएम बनने के लिए वह हर वह बिसात बिछाना चाहता है जिससे वह माहौल बन सके और वह सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुके। इसी में अजीत पवार का भी नाम शामिल हो गया है। रिकॉर्ड बार, लगभग पांच बार के उप मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा में उनका दबदबा काफी अच्छा खासा रहता था। अब आने वाले चुनावों में क्या होता है यह कोई नहीं जानता है, लेकिन जब से वह एनसीपी से अलग होकर अपनी नई एनसीपी यानी जो पुराना सिंबल उन्हीं को मिला है, हालांकि अब तो एनसीपी शरद पवार को ही एक नया सिंबल मिला, वो बात अलग है, लेकिन जब से वह पार्टी में दो फाड़ किए हैं उन्होंने और दो धड़ अलग अलग हुए हैं, ऐसे में तब से यह कयास लगाया जा रहा है कि आखिर वह पुरानी एनसीपी वाला जनाधार क्या अजीत पवार के साथ है या नहीं है। विधानसभा चुनावों में इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी जो सर्वे बता रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे इशारा कर रहे हैं कि अजीत पवार को संभवतः पिछली बार से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि नतीजे आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन कितनी सीट पर बाजी मारता है, लेकिन इस बीच एक नई रसाकशी शुरू हो गई है। वह रसाकशी है सीएम बनने की चाह। तो आखिरकार जो 5 बार के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जिन्हें लोग प्यार से अजीत दादा पवार भी कहते हैं महाराष्ट्र में, अब उन्होंने साफ तौर पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कुछ बात ऐसी अटक जाती है और वह बात आगे निकल नहीं पाती, वह सीएम बन नहीं पाते। मन की वेदना उन्होंने जाहिर की और साथ में एक तरह से दावा भी ठोका। जब इसके बारे में मौजूदा दूसरे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, तो उन्होंने इसका अपने अंदाज में अलग ही बयान जारी किया। उन्होंने कहा, भाई जिस पार्टी का एक विधायक हो वह भी मुख्यमंत्री बनने के लायक है, बन सकता है। अब इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाए, क्या ऑल इज वेल महायुति में है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आकांक्षाएं सबकी अपनी अपनी है और हर कोई वह टॉप पोस्ट स्टेट की उस पर बैठना चाहता है, लेकिन नंबर्स किसके साथ रहेंगे। एक और बड़ा फैक्टर यह भी है कि जो मौजूदा साझा तरीके से यह चुनाव लड़ा जाएगा महायुति के बैनर तले, जिसमें बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी
जो साथ में चुनाव लड़ रही है, ऐसे में जो एनसीपी है अजीत पवार वाले गुट की, उसे सबसे कम संभवतः सीटें अलॉट की जाएंगी। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे को उनसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। बीजेपी हमेशा सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यही बात सामने भी आ रही है। और आखिर सीएम की इस होड़ में किसका नाम आगे आता है, किसका नाम कहीं पीछे छूट जाता है, यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन आकांक्षाएं तो वर्तमान में जागी हैं और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुछ जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप की बात करें तो वहां से हमारे साथ संजय द्विवेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें, ओरिजिनल एनसीपी का सिंबल उन्हीं के पास है, तो वहां से मुकलेश शेख साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का हमारे इस खास शो में स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं संजय साहब, क्योंकि अन्य जो दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इन दोनों में अभी ऐसा लगता है सतही तौर पर रसाकशी चल रही है। अजीत पवार साहब भी अपने मन की इच्छा को रोक नहीं पाए, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी अपने अलग अंदाज में बयान दिया है और उन्होंने कहा है, भाई जिस पार्टी का एक विधायक हो वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सबसे कम सीटें भी संभवतः महायुति में अजीत पवार साहब की पार्टी को ही अलॉट होगी, सबसे छोटे भाई के रूप में रहेंगे। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि जब नंबर्स नहीं होंगे तो आप बार्गेन कैसे कीजिएगा इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि आप महाविकास अघाड़ी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में आपके पक्ष में नतीजे बहुत हद तक आए हैं। तो संजय द्विवेदी साहब, आप इस वार्तालाप, आप इस कॉन्वर्सेशन को कैसे देख रहे हैं और क्या आपके लिए यह एडवांटेज साबित हो सकता है? देखिए कुणाल जी, हमारे लिए जरूरी समय है चुनाव जीतना। हम्म, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार तोड़ के सरकार बनाई गई, इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अपना मैदानी कार्य हुआ, राज्यपाल से लेके विधानसभा अध्यक्ष से लेके सभी ने संवैधानिक काम किया। अगर माननीय उद्धव जी ठाकरे अगर इस्तीफा ना देते तो उनको मैं पुनः मुख्यमंत्री बना सकता था। पहली बात तो ये हो गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये तो कहा कि संवैधानिक सरकार है और संवैधानिक सरकार चल रही है देश में, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो संविधान की शपथ लेते हैं संसद भवन में और संविधानिक कसम खाते हैं कि संविधान के अनुसार ही हम काम करेंगे, वही प्रधानमंत्री जी जो है दल बदल कानून का अनदेखा करते हुए विधायक तोड़वाते हैं। विधायक तोड़ लिए कोई बात नहीं, लेकिन उनसे उनके उनका जो है कायदे से दल बदल कानून में था कि विधायक टूटेंगे अगर टू थर्ड मेजोरिटी से तो वो जो है अपनी पार्टी बनाएंगे, सब किसी पार्टी में जाएंगे या नहीं आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने डायरेक्ट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, अजीत पवार जी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए महाराष्ट्र की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा इस चीज को और उन्हें ये चीज हजम नहीं हुई। महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज के आदर्शों में चलती है, शिवाजी ने कभी इस चीज को नहीं माना, उन्होंने लोकसभा चुनाव में इसको करारी मात दी, कहा 23 सीटें थी भाजपा की उनको 9 सीटों पर ला दिया। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो ये इन्होंने जो किया वो क्या किया, इन्होंने ये सोचे थे कि शायद हम अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे तोड़ देंगे तो उद्धव ठाकरे की चीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन देखिए ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना है, ये शिंदे जी नहीं है कि उनके अनुयायी बनके उन्होंने शिवसेना तोड़ दी और सर शिवसेना चली जाएगी। माननीय उद्धव ठाकरे ने मजबूती से जो शिवसेना की कार्य होता है कि हम टूटेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। आज आज जो ये स्थिति आ रही विधानसभा चुनाव की, महाविकास अघाड़ी हमारी शरद पवार जी कांग्रेस और हम मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री जो माननीय उद्धव ठाकरे बने थे उसमें वो बनना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन माननीय शरद पवार जी ने उनको मुख्यमंत्री बना के एक दिखाया और जनता को भी दिखाया। आज हम जो हमारा जो लक्ष्य है 200 पार, आज हमारा 200 पार का लक्ष्य है और वही लेके हम आगे चलना चाहिए। 2019 में हमने मुख्यमंत्री
का कोई डिसीजन नहीं लिया था। हाँ। हम चुनाव भाजपा से लड़े थे, लेकिन भाजपा ने चूंकि गद्दारी की, भाजपा ने गद्दारी की, जिसका इनाम जिसका उन्होंने दिखा भी दिया, 2.5 साल बाद पार्टी तोड़ कर उन्होंने दिखा दिया कि वो गद्दार है कि नहीं। अगर वो गद्दार ना होते भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनका चेहरा अलग चेहरा है, हाथी जैसे दांत नहीं होते, हाथी दांत दिखाने का अलग और खाने वाले अलग होते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के दिखाई पड़ता है। इनका चेहरा अलग है और इनके अंदर की भावनाएं अलग है, अंदर की भावनाएं कुछ थी, ठीक है, खराब थी। ओके द्विवेदी साहब, ओके द्विवेदी साहब, तो अब तो खैर टेस्ट का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। शेख साहब, आखिर आपके अजीत दादा पवार साहब के अरमान जाग गए, और जागे ऐसे हैं कि क्या खूब जागे हैं, लेकिन मजबूरी भी उन्होंने बताई कि हर बार मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आके मामला अटक जाता है। आप बड़े ख्वाहिश लेकर के पार्टी से अलग होके दो धड़ हो गए, आप ओरिजिनल सिंबल आप ही के पास है, खैर ओरिजिनल पार्टी भी तब मैं आप ही को कहूंगा, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। लेकिन क्या आप जिस मकसद के साथ पार्टी के विभाजन में शरीक थे और आज उसकी वेदना छलक कर सामने आ गई कि वो भी किया और पाया कुछ नहीं, तो ऐसे में अब आपकी स्थिति क्या है? सबसे कम सीटों पर आप चुनाव भी लड़ेंगे, सीएम कहां से बनेंगे? शेख साहब देखिए, ऐसा है कि ढूंढते रह जाओगे, अजीत पवार साहब ऐसा है, सारे देश को और महाराष्ट्र के लोगों को भी पता है कि अजीत पवार साहब की जो रफ्तार है, लाडली बहन का जो अभी अभी चल रहा है देश में, और सारे चीज जो डोर टू डोर अजीत पवार सभी को मिल रहा है, और सम्मान भी पब्लिक दे रहे हैं, जनता हमसे जुड़ भी रहे हैं हमारे एनसीपी पार्टी से, रही बात, हम कहीं पीछे नहीं है, हम आगे ही है। और अगर अगर मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के दिलों में और इच्छुक है हम सब कि अजीत दादा पवार जो है सीएम बने, वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इलेक्शन के बाद ये सब बिखर के गिर जाएंगे। और ये जो महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे थे, हमारे साहब द्विवेदी जी हमारे सीनियर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसमें भी दो कमी है। जय श्री राम, जय श्री राम जी। उसके अंदर एक चीज है कि वो नाना पटोले साहब सीएम के रेस में पवार साहब ने डिक्लेयर नहीं किया कौन सीएम बनेगा, जनपद से तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उद्धव साहेब ठाकरे एक्चुअली सीएम रह चुका है, मैं उनको अच्छा सीएम भी कहूंगा और अच्छा काम भी करे थे, भले हम उनके विरोध में अब महायुति के साथ है जो सही है वो उसको सही कहूंगा, पर उनके साथ मिसगाइड करने वाले भी बहुत आजकल घूम रहे हैं, और लोग पार्टी दल बदलो जो होता है कलर जैसे मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह अब उनके साथ अभी चिटकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। और देवेंद्र जी ने कहा जिसका एक विधायक ज्यादा जास्ती होगा उसके सीएम होगा, एकदम पिक्चर आने के पिक्चर क्लियर कर दिया देवेंद्र जी ने। और यहाँ पर शिंदे साहब का जो बात रहा कि कोई इसमें तांबे के प्रमाण पत्र में लिखा के नहीं लाया कि सीएम को शिंदे साहब ही रहेगा, सीट जिसके ज्यादा होगा, एक सीट भी ज्यादा होगा, तो देवेंद्र जी ने कह दिया है कि भाई वही सीएम बनेगा। देखिए दिक्कत क्या है, आपको लग रहा है कि आपको जितनी सीटें अलॉट होगी शेख साहब, आप उस सब पे क्या 100% स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करेंगे क्या? अरे सर, आप भी देखते रहिए, ढूंढते रह जाओगे। हाँ। हमें सम्मान नहीं मिला। हाँ। तो हम जो है सरकार किसकी बनेगी किसकी बनेगी वो बात की बात है। हाँ। लेकिन अजीत पवार साहब ऐसा हीरा है, सभी को जरूरत पड़ेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, वो तो शेख साहब हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ना वो किंग मेकर बनाने की भूमिका में ज्यादा रहते हैं, और आप किंग सपना मेकर किंग बन बनने का भैया, दिल्ली में सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार मोदी जी की बनी है। हाँ। नीतीश कुमार और वेंकैया नायडू को लेके बनाया है ना। हाँ। तो ऐसा वेंकैया नायडू पहला है, वेंकैया नायडू साहब एक्टिव राजनीति से बहुत पहले निकल गए हैं, हमें इज्जत मिलेगा, कोई भी सरकार किसी भी महाराष्ट्र में बने, अजीत पवार को सरकार मिले सरकार में ले या ना ले, लेकिन सम्मान देना पड़ेगा। वेंकैया नायडू नहीं, ठीक है वेंकैया नायडू नहीं, आप शायद चंद्रबाबू नायडू बोलना चाह रहे थे, खैर ठीक है, चंद्रबाबू नायडू में सॉरी बोल, ठीक है, कोई बात नहीं। आलोक वत्स साहब आपके पास भी आते हैं, अब जो यह बात निकली है तो क्या दूर तलक जाएगी? क्योंकि एक और बात भी है, क्योंकि अजीत पवार साहब ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो वो एनसीपी के सारे विधायक उनके साथ आ जाते, तब वो दो फाड़ नहीं, एक ही में सारा कुछ समागम हो जाता। आपको लगता है कि एक मिसहिट हो गया, या आपको लगता है कि नहीं वो सही कह रहे हैं? वत्स साहब
देखिए ये जो घटक दल है महायुति का, इसमें मेरे समझ से सबसे छोटे खिलाड़ी तो अजीत पवार, अजीत दादा ही है। ओके। अभी की जो स्थिति है, अब आगे चुनाव में इसको साथ मिलकर तो हम लड़ रहे हैं, अब किसको कितना सीट मिलता है उस पर फिर आगे तय होगा। ये दोनों तो अपने अपने दल के अध्यक्ष हैं, ये तो स्वयं तय कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। हाँ हाँ। कि कौन होगा सीएम। व्हाट्सएप लेकिन आप बहुत एक मिनट आपको टोक रहा हूँ, आप बहुत बुझे मन से बोल रहे हैं कि साथ में तो लड़ रहे हैं हम, मतलब इच्छा से लड़ रहे हैं या एक ऐसी मजबूरी तहत आप फंस गए कि अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। नहीं नहीं देखिए गठबंधन का दौर है ये। हाँ। पूरे भारत में गठबंधन का दौर। ठीक है। तो गठबंधन एक मजबूरी है, उसको तो साथ लेके चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ेगा। हाँ। अगर खुद की इतनी मजबूती हो तो गठबंधन की क्या जरूरत। तो इसलिए बहुत लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है, बहुत लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है, ये सब गठबंधन की मजबूरियां हैं। और उस मजबूरी में आप भी फंसे। अच्छा लगा आपका कन्फेशन, कम से कम आपने यह तो कहा कि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत की और इस सियासत में उभरते हुए सीएम पद के नाम की। हालांकि चुनाव अभी दूर है लेकिन नाम तो हवा में अभी ही तैरने लगे हैं। द्विवेदी साहब, आपने सुना वत्स साहब ने क्या कहा कि गठबंधन तो एक मजबूरी है, अकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मजबूरी उनके लिए है ना, मुझे मेरे मन में ख्याल आया कि आप इस मजबूरी को अपनी ताकत बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की यदि हम बात करें तो यह मजबूरी शायद आपके लिए ताकत है। बहुत अच्छी बात कही आपने कुणाल जी। मैं इसी बात पे कहना चाह रहा हूँ। देखिए मजबूरी इसलिए कहना है क्योंकि पूरे देश में झूठ का इन्होंने जुमले का जो एक फैला दिया है, एक पूरे बादल फैला दिए झूठ और फरेब के। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमेरिका गए, वहाँ कहते हैं साहब 29 प्रदेशों में यात्रा कर चुका अमेरिका के। जब तक वो गरीब थे बेचारे, माँ उनकी जागरूक वर्तन करती थी बेचारे, वो लगाते थे वो क्या बोलते थे चाय बेचते थे, लेकिन वो 29 देशों में यात्रा कर ली, कोई बात नहीं, सम्मानित है, मैं तो क्षमा चाहता हूँ। और सियोल जाते हैं वो कहते हैं साहब 2014 से पहले जो पैदा हुए उस देश में मुझे पैदा होने में शर्म आती है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कहना है। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। देखिए महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन हुआ है या इंडिया गठबंधन जो हुआ वो मजबूरी में नहीं हुआ है। बहुत स्पष्ट हम बताते हैं, हमारे सभी जितने भी दल हैं हम लोग हृदय से एक मुट्ठी में बंद होके हमने कसम खाई है कि नहीं, इस देश में हम जो हमारा जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और संविधान की जो हत्या हो रही है, हत्या नहीं कह सकता हूं मैं, संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को खत्म करेंगे हम। तो जो ये मजबूत सच्चाई कह रहे हैं, आज इन्होंने इनके लिए एनसीसी और शिवसेना सिंधे जी मजबूरी है, ये जान रहे हैं कि इन्होंने दोनों पार्टी को तोड़ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये मानसिकता है जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता ने बताई, इनकी मजबूरी मानसिकता है, ये मजबूरी में ही देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनी बनाई सरकारें तोड़ने में रुचि ले उसके बाद उस सरकार को बधाई दे, तो शायद ऐसा प्रधानमंत्री 70 सालों में मैंने कोई नहीं देखा होगा। जो प्रधानमंत्री जिला प्रमुख स्तर पर जाके हर प्रदेश में जाके जिला स्तरीय मीटिंग कर रहा है, हर प्रदेश में, आज से पहले मेरे प्रधानमंत्री रहे, मैं तो आज इतने साल 35 साल से राजनीति में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा होगा चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, इंदिरा गांधी हो, जितने प्रधानमंत्री मैंने देखे होंगे वो कोई भी स्टेट लेवल की चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होते थे, क्योंकि उनको विश्वास होता था कि हम जो कार्य कर रहे हैं केंद्र के द्वारा वो लोग जान रहे हैं, लोग हमको वोट देंगे। लेकिन पहला प्रधानमंत्री देश में ऐसा है जो इतना पैसा खर्च कर, वो पैसा कहाँ से आता मैं पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हो रही है इस समय उसका पैसा कहाँ से आता है, देश की जनता का पैसा है, उस पैसे में पैसे उड़ाया जा रहा है, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं रैली में,
ये आप जानते होंगे, आपके पास क्या होंगे, तो इस तरह का पैसा बर्बाद करना देश का, ये मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रधानमंत्री के लिए उचित है। और हमने महा विकास वाली बनी है, वो मजबूरी में नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूरी में नहीं है, हम लोग हृदय से जुड़े हैं, मजबूती से जुड़े हैं, और ये मुट्ठी बंद हमारी है, इस मुट्ठी के साथ हम जुड़े हैं, हम कोई मजबूरी हम करके नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं कोई मजबूरी करके, ठीक है समझ गए वत्स साहब। लेकिन अमूमन बीजेपी एक सांगठनिक शक्ति के लिए जानी जाती है, और आप जिस गठबंधन के दायरे में रहते हैं वहां पर भी काफी चीजें बहुत हद तक सुलझी हुई रहती है, खासकर सीएम पद के लिए उभरते हुए नामों की। आज मुझे एक और नाम याद आ गया, हालांकि प्रासंगिक नहीं है, हरियाणा में भी जो अनिल विज साहब है ना, वो भी कहते हैं कि हम सीएम बनना चाहते हैं। आमतौर पर हम बीजेपी में देखते हैं कि सीएम एक सरप्राइज चेहरा होकर के निकल कर आता है, जिसे कोई नहीं जानता है, छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, मध्य प्रदेश का भी उदाहरण है। ऐसा क्या हो गया, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर जो महायुति है वो अपना जनाधार बहुत हद तक खो चुकी है, कि अब इस तरह की बात सामने आ रही है कि हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा जता रहा है? देखिए, अभी मेरे पूर्व में जो वक्ता बोल रहे थे इंडिया गठबंधन के बारे में कि हमारा एकदम अटूट है और मुट्ठी बंद है, तो हरियाणा में वो गठबंधन अटूट है, आप और इंडिया गठबंधन में, ये जम्मू कश्मीर में अटूट है, ये नरगल बातें करते हैं, देश की जनता देख रही है कि कभी तो ये कहते हैं हम शादीशुदा है, कभी ये कहते हैं हम डिवोर्स है, तो ऐसा राजनीति में नहीं चलता है। जनता हिस्सा चाहती है, ठोस सरकार चाहती है, मजबूत सरकार चाहती है, ऐसी सरकार नहीं चाहती है जो लोकसभा में कुछ बोले में कुछ और बोले। अब वर्कर की मानसिकता सच्ची है, एक साथ गुणगान करें और एक दूसरे के ऊपर फिर दोषारोप के ऊपर, जहां कहीं भी धर्म है वो मजबूरी पकड़े हुए है। मैंने आपको कहा और मैं फिर कह रहा हूं, गठबंधन सरकार आज के दौर में तो इसमें स्वीकारता बनानी पड़ती है, एडजस्टमेंट अकोमोडेशन करना पड़ता है, और टॉलरेट भी करना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं। हमें जितना काम हमने महाराष्ट्र में की, जो योजनाएं हमारी वो ठीक है, और उन्हीं योजनाओं की परीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है। क्या द्विवेदी साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, क्विक क्लोजिंग कीजिएगा। सर, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से उदाहरण देते हैं, वैसे माननीय हमारे प्रवक्ता जी उदाहरण दे राजीव जया वाले, अरे कम से कम उदाहरण तो अच्छे दिया करिए। जो भी हमारा गठबंधन कॉमनी मिनिमम प्रोग्राम बना है और लोकसभा चुनाव में था, आज हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तो एक दूसरे के ऊपर हम वो नहीं लगा रहे हैं ना, वो कि नहीं हम समाजवादी गठबंधन, हमारी इच्छा हम कर रहे हैं, नहीं इच्छा हम नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज हो, लेकिन हम गठबंधन में एक साथ है, इंडिया गठबंधन हमारा है, ये आप समझ लीजिए। मुंह तोड़ जवाब आपको महाराष्ट्र में देगा, ये मैं आज इस डिबेट के माध्यम से बता देता हूँ, जबकि भी चुनाव भी नहीं हुए। ओके ओके द्विवेदी साहब, समय का भाव है, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और इसके पहले शेख साहब भी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन अब जितने भी वादे जितने भी दावे कर दिए गए हैं सबका टेस्ट होना है। महाराष्ट्र चुनाव बेहद नजदीक हैं और दो गठबंधन अब चुनाव लड़ रही है, जनता किस में अपना विश्वास देखती है और किसे आगे बढ़ाती है यह भविष्य तय करेगा। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।